नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ज्ञान मार्ट में। साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और लोग बड़ी ही बेसब्री से साल 2023 का इंतजार कर रहे हैं। नया साल 2023 जल्द ही शुरू होने वाला है और आने वाले साल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। साथ ही नए साल को बेहतर बनाने के लिए नए नए संकल्प ले रहे हैं। कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा के साथ की जाए तो पूरा साल अच्छा होता है। भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करने से आने वाली सभी समस्याएं साल भर दूर रहती हैं। इस पर नया साल रविवार के दिन शुरू हो रहा है। रविवार का दिन ग्रहों के देवता सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए साल 2023 में भी सूर्य का प्रभाव रहेगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य नारायण देव को सुबह नमस्कार करने से आयु, आरोग्य, धन धान्य, क्षेत्र, पुत्र, मित्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य आदि प्राप्त होता है एवं सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। अनेक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि प्रातः कालीन उगते सूर्य को जल अर्घ्य देने से व सूर्य को जल की धार में देखने पर नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में श्री कृष्ण और साम के संवाद में बताया गया है कि साम श्री कृष्ण के पुत्र थे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने साम को सूर्य देव की महिमा बताई है। श्री कृष्ण ने साम को बताया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य की पूजा करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वयं मैंने भी सूर्य की पूजा और इसके प्रभाव से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की हुई है। दोस्तों, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और यश कीर्ति की प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रतियोगिता में सफलता, करियर में कामयाबी के लिए लोगों को प्रातः उदय होते ही लाल सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिनको बार बार चोट लगती हो, शरीर में कैल्शियम की कमी हो, दुर्घटना के शिकार अधिक होते हो या फिर अपनी जान जाने का भय हो, यदि वे दोपहर अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की आराधना करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है। संध्या काल में सूर्य की आराधना करने से प्राणी को जीवन पर्यंत अन्न जल एवं भौतिक वस्तुओं का पूर्ण सुख मिलता है। सूर्य देव के प्रभाव से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए नए साल के पहले दिन आपको कुछ उपाय करने चाहिए। नए साल के पहले दिन ये उपाय करने से आप साल भर सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। साल 2023 के पहले दिन यानी कि रविवार को सूर्य देव की पूजा अवश्य ही करें। सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें, इसमें चावल, लाल फूल एवं गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद सूर्य मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दीनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम खगोलकाय स्वाहा। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। उपासना में धूप दीप जलाएं और सूर्य का पूजन करें। इसके अलावा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का भी दान कर सकते हैं। सूर्य नारायण देव की आराधना करने से अथवा जल द्वारा अर्घ्य देने से सभी दोषों नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो हमें रोजाना ही सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, लेकिन यदि आप रोजाना नहीं कर सकते तो नए साल के पहले दिन जरूर करें। ऐसा करने से साल भर आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 रविवार को स्नान के बाद उगते सूरज को जल दें। सूर्य देव को जल देने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें लाल फूल अवश्य ही अर्पण करें। ऐसा करने से सूर्य देव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूरे साल आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आपको 1 जनवरी 2023 रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर अवश्य ही खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। साथ ही सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। इसके अलावा यदि आप आपकी नौकरी और कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो नए साल के पहले दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित कर दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य देव साल भर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको कारोबार में तरक्की मिलेगी।
तो दोस्तों, यह थी नए साल की एक अच्छी शुरुआत की छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें।